मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक नायक राम का पिक्चर आया था, नायक जो अपना अनिल कपूर वाला, उसके अंदर वो एक दिन का प्राइम मुख्यमंत्री बनता है वो, और उसके बाद में एक दिन में वो ऐसे कुछ चमत्कार करके बताते कि लोग उसको इलेक्शन में बाद में खड़ा करवाते और उसको परमानेंट मुख्यमंत्री बनाते। और वो क्या करता है कि हर चौराहे के ऊपर एक कंप्लेंट बॉक्स रखवाता है हर चौराहे पे, और एक दिन ऐसा आता है उसके कार्यकाल में 2-3 साल के अंदर ही कि वो कंप्लेंट बॉक्स के अंदर एक भी कंप्लेंट नहीं आती है। इसको सुशासन बोलते हैं, इसको सुशासन बोलते हैं, इसको प्रगति बोलते हैं। और आज की घड़ी में परिस्थिति क्या है, आज की घड़ी में ये क्या परिस्थिति है मैं बता रहा हूं ना, यानी ये 4 डॉक्टर थे अकोला में, वो 4 डॉक्टर की जगह 4,000 डॉक्टर, ये प्रगति है या अधोगति है? 2 दवा की दुकान थी, 8,000 दवा की दुकान हो गई, ये प्रगति नहीं अधोगति है मैं बोलता हूँ आपको। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये हम लोगों को ठगा गया है, ये बताया गया है इसी तरीके से, और लोग इसको ये जो क्या बोलते हैं इसको, और जो शिक्षा है ये शिक्षा थोड़ी है फिलहाल के अंदर। देखो ऐसा था हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर बनता था, वो सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में जाके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर बनता था, 5-50 हजार रुपए में डॉक्टर बनता था, तो वो कभी जनता को लूटने की सोचता ही नहीं था। आज के घड़ी में जो डॉक्टर बन रहा है आशुतोष भाई, वो डोनेशन देता है 2 करोड़ रुपए का, 5 साल शिक्षा करता है तो 2 करोड़ के 4 करोड़ रुपए हो जाते हैं, उसके बाद में वो 2 साल कहाँ गवर्नमेंट के कोई हॉस्पिटल के अंदर उसको ये करना पड़ता है, तो 4 करोड़ के 6 करोड़ हो जाते बैच में, उसके बाद में वो जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है, उसके लिए उसको वापिस 2 करोड़ रुपए देना पड़ता है, तो 6 करोड़ के 8 करोड़ हो गए। फिर उसके बाद में वो 3-4 साल बच्चा बेचारा सीखता है, वो 8 करोड़ रुपए के वो उतने पीरियड में 12 करोड़ हो जाते बैच। सोच लीजिए, मैं एक अंदाज बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए आप, बैंक से अगर उसके बाप ने पैसा लिया है और ये कर रहा है एजुकेशन, तो उसके बाद में 12 करोड़ में अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा हो गया है, 2 साल और कहा प्रैक्टिस, 2-3 साल प्रैक्टिस कर लिया कोई डॉक्टर के यहाँ पे, 12 करोड़ के 15 करोड़ हो गए। उसके बाद में अगर वो हॉस्पिटल डालता है, उसके लिए प्लॉट खरीदता है, बिल्डिंग बांधता है, 10 करोड़ और लग गए उसको बेचारे को, तो 25 करोड़ तो उसकी लागत हो गई है। तो जो डॉक्टर 25 करोड़ की लागत बन के डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर ही नहीं कर सकता है, उसको कसाईगिरी ही करनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको बैंक का पैसा भी देना है, बैंक का हफ्ता भी चुकाना है, उसके हॉस्पिटल भी चलाना है, हॉस्पिटल के स्टाफ को भी पगार देना है बेचारे को, हम डॉक्टर को ये बोलते हैं। लेकिन ये फार्मा लॉबी ने उन लोगों को हाथ में पकड़ा है, उनकी मजबूरी का वो फायदा ले रहे, मजबूरी का फायदा ले रहे। कई डॉक्टर दिल से बहुत अच्छे है, लेकिन करेंगे क्या बेचारे, इतना ब्याज का कर्जे का बोझ। कई लोग मुझसे नाराज होते हैं जब मैं बोलता हूँ, मैंने यार करेंगे क्या वो बच्चे, अब वो बन गया है, उसके बाप जी उसके लिए कर दे, उसका बाप ही बोलता है या उसके जो है उसको शिक्षा देने वाले हैं खुद, उसको करेगा क्या, उसको तो बैंक का तो बैच चुकाना है, ये तो जोड़ना है, हॉस्पिटल का पैसा देना है, हफ्ता चुकाना है, तो उसकी मजबूरी हो गई है। और ये फार्मा कंपनियों ने जानबूझ के किया है, उनको डॉक्टर नहीं चाहिए थे, उनको कसाई चाहिए थे, कसाई बूचर्स चाहिए थे, और वो उनके आ गए, क्योंकि उनको तो अभी ऐसे लोगों को तो पेशेंट आ गया कि उसको काटो, उसको भर्ती करो, उसको ये दवा दो, ये इंजेक्शन दो, ये रेमडेसिविर, ये कोरोना काल में बता दिया ना, कि कोरोना काल के अंदर हमने देखे वो डॉक्टर थोड़ी थे, डॉक्टर थोड़ी थे जो भर्ती हुए हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर ही जाकर लोग मरे हुए हैं, एक भी घर में रहे हुआ आदमी मरा नहीं, जो हॉस्पिटल में गया मर गया, वो उसको मार दिए, जानबूझ के मार दिए, क्योंकि उनको डर फैलाना, डर का बिजनेस करना था, ये सारी बातें सिद्ध हो गई। तो इसी के खिलाफ में तो राजू दीक्षित झगड़ा करता था उस जमाने में, ये कोई आज का खेल थोड़ी है, आज का खेल थोड़ी है, उस जमाने में भी एच आई वी एड्स आया था, उस जमाने में हमारे शांतिलाल कोठारी जैसा आदमी एच आई वी एड्स के बारे में बहुत फाइट किया, उसने बोला कि एच आई वी एड्स है ना, ठीक है, किसको एच आई वी एड हो गया, वो आदमी का ब्लड लेके मुझे डालो बोलता, मैं देखता हूँ, बोले मैं कहता मरता हूँ। ये शांतिलाल कोठारी ने चैलेंज किया था गवर्नमेंट, एच आई वी एड्स वगैरह सारा फालतू है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो।